क्या पता है, देख लेते हैं बढ़िया से। आप लोग का अभी बात बताए हैं, विधानसभा, कौन सभा? विधानसभा। विधानसभा के सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को कहते हैं, पता होगा? यस सर। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? एमएल। एक बात याद रखिए, बेशरम होकर पढ़िए क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं आपको। एकर बात देखिएगा, विधान परिषद है, कौन परिषद है? विधान परिषद। चलिए, हमको यही से मतलब है, तब बताइए विधान परिषद के सदस्य को, विधान परिषद के सदस्य को कहते हैं एमएलसी, कहते हैं एमएलसी, कहते हैं। बात समझ में आया जी? यस सर। एकर बात तुम सोच के बताना, एम एल ए का पूरा नाम, एम एल ए का पूरा नाम बता, कुछ होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक बार बोले तो बाबू क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, होता है। बात हो बाबू, एमएलसी, एमएलसी, तो एमएलसी का पूरा नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, क्लियर है बाबू? यस सर। अब ना कोई करते कि कैसे होती है, देखो तो पहला चोटी पकड़ो एम है, पहला अच्छा पकड़ो एल है, पहला अच्छा पकड़ो सी है, देखो एमएलसी हो गया, क्योंकि ऑफ से एंड से और से हमको कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ना है, तुम क्या पढ़ रहे हो? विधानसभा के सदस्य को कोची बोलेंगे विधानसभा, सॉरी विधान परिषद कहाँ कहाँ हब, विधान परिषद कहाँ कहाँ कौन कौन राज्य में हब, तो ट्रिक बा याद रखेगा, ताकम आ तुझे ताकम आजते मध्य हो बाबू, याद रखिएगा। अगर कोई बोलेगा ना कि विधान परिषद कहाँ कहाँ हब, मन है तो रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकम आ रोक ले बाबू, उजैते बाबू याद रखिएगा। तो देखो तो कोची बनते बोलो तेलंगाना याद रखिए, विधान परिषद कहाँ का हब, ताकम उजैते हब, ताकम उजैते हब, ता से बोलो तेलंगाना, ता से बोलो तेलंगाना, तेलंगाना आगे बोलो कर्नाटक, 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 कर्नाटक में, बताइए आपको तेलंगाना में बताओ कहने का मतलब, एमएलए
विधान परिषद के सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलसी। क्या बोलते हैं? एमएलसी। और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहते हैं। तो बताइए विधान परिषद कहाँ कहाँ होगा?